नमस्कार, आप देख रहे हैं FT न्यूज। प्रशासन की देखरेख में रखी गाय की सड़क हादसे में घायल, जिम्मेदार वे खबर। सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बहेलिया चौराहे के समीप टैक लगी गाय गंभीर रूप से घायल व्यवस्था में देखी जा रही है। जानकारी के मुताबिक बीते दिनों अज्ञात वाहन जो तेज रफ्तार से होकर गुजर रही थी, टक्कर मार दी, घसीट कर दूर जाकर गिरी, जहां आज तक पड़ी। स्थानीय लोगों ने डॉक्टर को सूचना दिया तो डॉक्टर ने जवाब दिया कि दिन भर काम, रात को भी सोने नहीं दिया जाता, दवा के अभाव आज भी घायल अवस्था में पड़ी है। वहीं गाय के पेट में भी बच्चा, ऐसा बताया जा रहा है। दुख की बात तो ये है रही, जिस गायों के गौशालाओं में रहना चाहिए वह गाय सड़क पर घूम रही हैं और वाहनों की चपेट में आने से घायल हो जाते। इतना ही नहीं, सड़क हादसे में मौत भी हो जाती है, ऐसा देखा जा रहा है। और प्रशासन इन खुले पशुओं सहित टैग वाली पशुओं को भी नज़रअंदाज कर मौत के मुँह में ढकेल रहा है और इन गायों के नाम पर आए चारे पानी खुद निकल जा रहे हैं। सिद्धार्थनगर से संवाददाता दीपेंद्र पांडे की रिपोर्ट। काफ़ी तेज गति से जा रहा था, इसको टक्कर मारा बेचारी, वहाँ से छिटक के काफ़ी दूर आके गिरी। इसके पेट में बच्चा भी, रात में हम लोग कभी लगभग 2.5 घंटे तक हम लोग परेशान रहे, कोई डॉक्टर फोन नहीं उठाने वाला। हॉस्पिटल पे आते तो कहते हैं कि दिन भर ड्यूटी करें तो फिर रात में भी आप लोग परेशान करते हैं। ये कोई CL वर्मा करके डॉक्टर साहब हैं। फिर रात में काफ़ी बात हुई, फिर स्टाफ आए वहाँ से लेकर के, वहाँ पे एक राजेंद्र जी हैं स्टाफ, उनको जब अरुण भैया से बात हुई तो उन्होंने भेजा। फिर रात में रवि भाई आए, रात में उसका दवाई वाई हुआ। फिर सुबह फ़ोन किया जा रहा है, अभी भी फ़ोन कोई नहीं उठा रहा है। जैसे योगी सरकार गौ को लेकर के बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, तो इस समय ये हालात में गाय पड़ी, उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग गाय के लिए जितना भी प्रयास हो सकेगा हम लोग करेंगे। कल माननीय जिलाधिकारी महोदय से बात भी हुई थी इसके लिए और चेयरमैन साहब से भी, उन्होंने कहा कि उनको बताया गया कि रोआपार जो गौशाला बना हुआ है वही से आए दिन गाय छूट के आ रही है। इसके कान में टैग लगा हुआ है जी, गौशाला का ही टैग है इसके कान में। तो इसके लिए आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? मैं जिला प्रशासन को इसका जिम्मेदार मानता हूँ, क्योंकि इसके जो पावर ऑफ अथॉरिटी है उसको SDM साहब को दिया गया गौशाला की, लेकिन उनके होते हुए भी यहाँ पे देखिए ये स्थिति बनी हुई है। आए दिन लगभग हफ्ते में लगभग पाँच छः केस ऐसे लगातार बनते रहते हैं। क्या ये गाय पेट से है? जी, ये पेट से है गाय। यानी दो जीवों का यहाँ पे हत्या हो रही है और कोई सुनने वाला नहीं है।